नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। प्रायः सभी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका अनुभव ग्रसित होने वाले व्यक्ति पहले स्वयं करता है और बाद में उस बीमारी की जानकारी दूसरे व्यक्ति को होती है। लेकिन एक बीमारी ऐसी भी है जिसके बारे में रोग ग्रस्त व्यक्ति को पता नहीं होता, परंतु उसके पास बैठने वाला या उससे बातचीत करने वाले को उसका आभास तुरंत हो जाता है। इस रोग का नाम है मुँह की दुर्गंध। मुंह की दुर्गंध धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाते हुए इतनी बढ़ जाती है कि रोगग्रस्त व्यक्ति के मुंह से ही नहीं बल्कि उसके श्वासों से भी बदबू आने लगती है। ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति के पास 2 मिनट बैठकर बातें करना भी दुर्लभ हो जाता है। मुंह की दुर्गंध होने की अवस्था में रोगी अपने ही लोगों में घृणा का पात्र बनकर रह जाता है और रोगी इसके कारण तनावग्रस्त रहने लगता है तथा अनेक बीमारियों के चपेट में आ जाता है। मुंह की दुर्गंध उठने के अनेक कारण हैं, जैसे अत्यधिक खैनी खाना, गुटखा खाना, पान या पान मसाला खाना, धूम्रपान करना, शराब, स्मैक, गांजा या चरस जैसी वस्तुओं का निरंतर सेवन करना, कब्ज होना, पानी कम पीना, दांत की सफाई न करना, पेट का कोई रोग होना, मुंह में इन्फेक्शन होना इत्यादि। मुख के दुर्गंध से निजात पाने के लिए मुख की शुद्धि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बिस्तर से उठने के बाद तथा बिस्तर पर सोने से पहले खाना खाने के बाद मुख में स्वच्छ एवं ताजा जल भरकर लगातार कुछ मिनटों तक कुल्ला करते रहना चाहिए। इसी प्रकार यदि दांतों पर अधिक मैल जमा हो तो स्वच्छ जल में नींबू का रस मिलाकर उससे कुल्ला करना चाहिए। ऐसा करने से दांतों पर जमा मैल हट जाता है। कुल्ला कर लेने के बाद टूथपेस्ट एवं उत्तम ब्रश की सहायता से दांतों को भली भांति ऊपर नीचे अंदर बाहर चारों तरफ घुमा फिराकर साफ करना चाहिए। मंजन एवं पेस्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दांतों की अच्छी तरह सफाई करने के बाद उंगलियों की सहायता से मसूड़ों, जीभ एवं गालों के अंदरूनी हिस्सों को भी कुछ समय तक रगड़ रगड़ कर साफ करना चाहिए। ऐसा करने से उनके ऊपर जमा हुआ पदार्थ हट जाता है तथा बदबू पैदा होने की संभावनाएं शिथिल हो जाती है। जीभ को साफ करने के लिए बाजारों में उपलब्ध धातु की बनी रेडीमेड टंग क्लीनर का प्रयोग किया जा सकता है। मुख के दुर्गंध से बचने के लिए खूब पानी पीना चाहिए। शराब, धूम्रपान, तंबाकू, गुटखे आदि नशीली पदार्थों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा अथवा देर से पचने वाली वस्तुओं का सदैव त्याग करते रहना चाहिए। ऐसे पदार्थों को खाने से कब्ज होती है और कब्ज मुंह के दुर्गंध को जन्म देता है। इस वीडियो में बताई गई बातों को अपनाकर मुख के दुर्गंध से छुटकारा पाया जा सकता है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। हमारे नए नए स्वास्थ्य और सौंदर्य से संबंधित जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें ताकि इसी तरह हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहे। धन्यवाद।